राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कई वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जो अपनी राय रखते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है, दो चरण का मतदान हो चुका है, पांच चरण का मतदान बाकी है। जो नेता मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों के बीच संविधान बचाने और संविधान को ख़त्म करने की बात भी हो रही है। न्यायपालिका पर भी तमाम सवाल उठ जाते हैं कि जुडिशरी पर भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। इन सबके बीच जो स्थानीय वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या देख रहे हैं, मुद्दों के बीच असल मुद्दे कहीं गुम तो नहीं गए हैं, या उनके मुद्दों पर नेता बड़े बड़े चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है साहब? मैं के मिश्रा, एडवोकेट। अच्छा जी, ये बताइए कि जो मुद्दे आपको सुनने को मिलते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, रैलियां लग रही हैं ताबड़तोड़, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव का परिवार, तमाम साउथ में जो बातचीत हो रही है, उन सबके बीच सबसे पहला सवाल तो ये कि आपके मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जनता के लिए ही चुनाव होता है और आम चुनाव हो रहा है। देखिए, चुनाव का जो प्रारंभ हुआ था वो मुद्दों के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें मैनिफेस्टो के हिसाब से एक एक मुद्दों का निस्तारण करते हुए उन्होंने पूरे लगभग 10 साल व्यतीत किए और अपने मैनिफेस्टो के आधार पर एक एक मुद्दे का निस्तारण किया। परंतु चूंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो वो एक कॉमन शब्दों का प्रयोग करता है कि बताइए क्या देश से रोजगार बेरोजगारी खत्म हो गई, बताइए क्या गरीबी खत्म हो गई, बताइए क्या सब लोग सुखी चैन से अपना नींद ले रहे हैं। ये कॉमन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, परंतु इसमें आपको देखना पड़ेगा जनता ये कहाँ देख रही है। जनता ये जरूर देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक एक चीज़ों पर बहुत बारीकी से गौर किया, जैसे इस देश की तमाम हमारी आधी आबादी और अन्य लोग भी गाँव में शौचालय का प्रयोग नहीं करते थे। बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया और जो पहला काम किया उन्होंने, हर घर में शौचालय बनवाने का काम। की बात को हम समझ गए, आपने कहा कि मुद्दों पर बात करी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री की पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है और क्या आप इनसे सहमत हैं? जी, ब्रजपाल सिंह, एडवोकेट नाम मेरा है। हम मिश्रा जी की बात से पूर्ण सहमत हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो योजना चला रहे हों, वो निम्न स्तर तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं के समर्थन में हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। मुद्दों पे बात हो रही है और इसी वजह से जो है इतना ज़्यादा जो मिल रहा है मैंडेट, जो मिल रहा है इसी वजह से आ रहा है। जनता क्या लग रहा है आप लोगों को, मैंडेट मिलने जा रहा है कि नहीं? बदलाव होगा? फुल बदलाव नहीं, ये जो है जो किया है, जो मुद्दे उन्होंने वो किए हैं, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है उसे पूरा किया है। इस वजह से उनके लिए जो है इस बार भी जो है उनको पूरा बहुमत मिलेगा। ये वकील साहब, ये बताइए कि आप लोगों की भी तमाम समस्याएं होती हैं, आप लोगों के भी तो मुद्दे होते होंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोगों के जो मुद्दे हैं, लगभग मुद्दे हम लोगों के साल होते रहते हैं। अच्छा। और कुछ लग रहा है सरकार से? आप सरकार से कुछ नहीं, सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। अच्छा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो वकीलों के लिए इतना कुछ किया है कि पूछिए नहीं। अन्य सरकारों की अपेक्षा वकीलों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं, बहुत योजनाएं चलाई हैं और उसका लाभ सारे वकीलों को मिल रहा है। बाकी विपक्ष के लोग लगातार हमला कर रहे हैं। जो जहां तक चुनाव की बात है, मैं दिलीप सिंह भदौरिया एडवोकेट हूं यहां। इसमें चूंकि सबको एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर। उनको ये नहीं पता है कि पहले गैस सिलेंडर के लिए दो दो दिन हम खुद लाइन लगाते थे। बेरोजगारी की बात बताइए, बेरोजगारी के लिए युवा भी, बेरोजगारी कुछ है ही नहीं। कुल मिला के जो काम करना चाह रहा है उसके लिए कोई बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी का मुद्दा आप बना रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। हम उसको कह रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं। कंट्रोल करने का सरकार प्रयास करती है तो उस पर लोग जो है बाधा बनते हैं। जनसंख्या भी एक मुद्दा है। जनसंख्या लोग खुद बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल करने का सरकार प्रयास करती है तो उसमें जो लोग आंदोलन करते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, सरकार ने जो है आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत किया है। दादा, जनसंख्या मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है तो जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है। ये जब मतलब कहने को है कि तो जनसंख्या में कंट्रोल नहीं हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन मेन होता है जो काम जो करने का आपका वो क्या, जो तरीका क्या है? काम किया जा रहा सरकार के द्वारा, नहीं किया जा रहा? कहाँ किया जा रहा है, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सिर्फ जो बातें हो रही हैं जो पेपर के माध्यम से,
क्या बातें हो रही हैं, क्या देखते हैं आप? हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं नहीं बेरोजगारी चरम पर पड़ी है। साथी, आप ही के साथी वकील कह रहे हैं कि तो हर आदमी का एक अलग अलग व्यू है ना कि मतलब विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। क्या हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा विकास। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिनको जिनको ये नहीं दिखता था कि जब कभी 5 किलोमीटर की स्पीड से सड़कें बना करती थी, 5 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बने थे, आज 35-36 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बन, ये विकास नहीं है। दूसरा, जब विकास नहीं है, ये विकास नहीं दिखता लोगों को। दूसरा, शौचालय बने, ये विकास नहीं दिखता। देश की एकता और अखंडता कैसे बने, उसके लिए 370 हटाया जाना, ये विकास नहीं दिखता। गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को, ऐसे लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, ये विकास नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आपको भाई? हाँ बताइए, अभी इन्होंने कहा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, जो ये अभी हमारे भाई ने कहा है कि जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ क्या 80 लाख अनाज दिया जा रहा है, ये कोई जो फ्री का अनाज नहीं है, ये हमारी जो टैक्स का अनाज है, ये इस समय जो मिल रहा है हम लोग को, कोई भी जो सरकार वास्तव फ्री में दिया नहीं, और ना ही कोई कह रहा कि आप फ्री दीजिए, आप रुपया लीजिए, लेकिन जो सामान से जो दीजिए नहीं देंगे तो बदहाली होगी ना, वो लोग कैसे अपना जीवन होगी, कुछ नहीं बदहाली, जब पहले हो रहा था, जब पहले भी तो हो रहा था भैया। ये देखिए, 80 करोड़ जनता को हम अभी भी 5 किलो अनाज के लिए लग रहे हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है कि हमारी जनता अभी भी इतनी कमजोर है कि उसको हम 5 करोड़ अनाज, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसके पहले जब ये राशन नहीं मिल रहा था तो रोज पेपर में आ रहा, एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, राशन मिल रहा था, राशन पैसे से मिल रहा था, तब कहा जाता था कि ये गरीबी रेखा के नीचे का भारत और भारत में लोग भूखों मरते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय ना हुआ तो याद करिए। मैं राजीव कृष्ण मिश्रा एडवोकेट, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा है, बीजेपी की सरकार, वो कार्य कुशल तरीके से कार्य कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि वो दूरगामी परिणाम को सोचते हुए कार्य कर रही है कि आगे क्या, आपके युवा साथी क्या कहते हैं, आप बताइए किस तरह सरकार। देखिए, मैं बस इतना लखनऊ की जनता से और लखनऊ के आम मतदाता से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अपना मतदान करने जाएं तो धर्म को ना सोच के देश में विकास किस प्रकार से होगा, देश प्रगति किस प्रकार से करेगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे, ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट दे, अपने देश को देखते हुए वोट दे कि आगे देश की स्थिति इस समय क्या है, इस समय देश की जीडीपी क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश का युवा वर्ग जो बेरोजगार बैठा हुआ है। जो मतदाताओं को समझाया जा रहा है, मंच से बोला जा रहा है कि घुसपैठिया आ जाएंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, वो आप लोग क्या समझते हैं? डर बनाया जा रहा है कि मतलब कि देखिए, आर्मी हमारी इतनी मजबूत हो गई है अब इस समय में, मोदी जी ने इतना जो है व्यवस्था कर दिया है, इतना जो है लाके अजीब अजीब से टैंक जो है और सब व्यवस्था दिया है, और इस समय जो यूपी में 5 एयरपोर्ट थे, इस समय 20 एयरपोर्ट हैं। विकास हुआ है आपके? विकास हुआ है। और जो मुद्दे हैं, आप लोगों को लगता है कि असल मुद्दों पे बात हो रही है या भटक गया है चुनाव? नहीं, चुनाव तो भटक गया है, चुनाव जो चल रहा है वो धर्म पे चल रहा है, पूरा चुनाव धर्म पे चल रहा है, अल्पसंख्यक मुसलमान की बात हो रही है। हाँ, अल्पसंख्यक मुसलमान, हिंदू, और इसी पे वोटिंग हो ही रही है। बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, इन पे बात कीजिए। आपके सामने जो युवा के लिए किया गया, अभी पुलिस भर्ती आई या और जो भर्तियाँ, पेपर लीक हुआ नहीं नहीं, और पेपर लीक और सरकार में नहीं हुआ, गलत नहीं। न्यायालय का कुल बजट भारत सरकार का 3% जो है न्यायालय को आवंटित होता है। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो न्यायालय का ठीक नहीं है, वो ठीक किया जाए। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं बरकरार हो पा रही है। सरकार ने इतनी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, शायद किसी को मालूम नहीं होगा, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जो भी गरीब आदमी है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपील नहीं कर सकता, जो उठा पाए गरीब उसका, सुनिए तो, बहुत लोगों ने उठाया। यहाँ पर हमने जो है एक को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, मैंने उसका सब कुछ तैयार करके जेल से जेलर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भेजा है। सरकार की योजना ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार उसको पैसा दे रही है, कोर्ट फीस दे रही है, हाई कोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है। जहाँ तक विकास की बात है, आपने देखा होगा कि पहले जो है रेलवे स्टेशन में केले के छिलके पड़े रहे थे, इतनी गंदगी थी, आज का रेलवे स्टेशन जाके लखनऊ का दिल एकदम चमाचम है। महंगाई, बेरोजगारी की बात जो करते हैं आप युवा हैं, बताइए आप लोगों के जो मुद्दे, वकीलों के कोई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर कोई काम हो रहा, सरकार कर रही है? जी क्यों नहीं हो रहा, काम हो रहा है। और अरे बेरोजगार कोई है नहीं यहाँ पे,
काम है, काम कर रहा है उसमें, हमें काम मिला, हम काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करना होगा तो बेरोजगार हैं। हमारा बहुत सही बात कही, देखिए विषय बताऊँ आपको, देखिए विपक्ष की स्थिति क्या है, गंभीरता से अगर ये बात सुनेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा विकास कैसे होता है। विकास की स्थिति यह है कि 700 करोड़ पर ईयर हज सब्सिडी दे करके और उनको संतुष्ट कर, फिर क्या जरूरत है ये बताइए। नहीं आप समझ गया, फिर ये क्यों जरूरत होती है कि मंच से कहा जाता है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमानों के बारे में बात तो सुने, 700 करोड़ की सब्सिडी दे करके संतुष्ट करने के प्रयत्न में वो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वो लोग कहते हैं कि वोट का जिहाद करो, वो लोग फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आप हमको ये बताइए कि जब आप देश को इस रूप में खड़े ही करना चाहते हैं और आप सवाल हमसे करते हैं, हमको सांप्रदायिक बता करके खुद आप सांप्रदायिकता का काम करते हैं, ये किसी जनता को नहीं दिखता। 700 करोड़ पर ईयर को रोक करके अगर वही उसी से एम्स बनता, कितने एम्स बनते कल्पना करके बताओ कोई, कितने एम्स बनते इस देश में? आज एक एम्स ना होता, दो एम्स ना होते कांग्रेस के जाने के बाद, आज क्यों बन रहा है? मुद्दों से भटकाने की जो बात कही जाती है उस पर क्या कहेंगे आप? मुद्दों से भटका दिया जाता है, महंगाई बेरोजगारी, हाँ, मुद्दों से भटका दिया जाता है। आप देखिए हर मतलब कि आज जिले में आज मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ये क्या है, एयरपोर्ट है बनाया जा रहा है, छोटे छोटे स्तर को एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को ले जाया जाता है, आज हमारे देश में भी एयरपोर्ट बन रहा है ऐसे कि छोटे छोटे चीज़ों को ले जाया जाएगा। राजधानी लखनऊ के ये वकील हैं, वरिष्ठ हैं, युवा वकील हैं, सभी हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के साथ ये बता रहे हैं कि विकास की तस्वीर देखने को फिलहाल इनको मिलती है, लेकिन कुछ वकील इनमें से ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि विकास की जो बात की जाती है वो वाकई हकीकत में नहीं दिखती है। लखनऊ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, शेष भारत।